नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना वायरस के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। अब हालात बेकाबू होते देख राज्य की राजधानी पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार में कोरोना के आज 1,749 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 13,725 हो गई है। इन नए मामलों में 200 से ज्यादा मरीज राजधानी पटना के बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए राजधानी स्थित सचिवालय के सभी कार्यालयों में आम आदमी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उधर फिर से बढ़े कोरोना के चलते भागलपुर में लॉकडाउन कर दिया गया है। भागलपुर जिले को प्रशासन ने 5 दिनों तक लॉकडाउन करने का फैसला ले लिया है। 9 जुलाई की सुबह 6 बजे से जिले में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जो अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। उधर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामलों में तीसरे नंबर पर चल रहे भारत में इस वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। बुधवार यानी 8 जुलाई को देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 22,752 नए केस सामने आए हैं। वहीं 482 लोगों की मौत हुई है। ये नए केस सामने आने के बाद से देश में कोरोना वायरस के कुल 7,42,417 मामले हो गए हैं। वहीं देश में कुल मौत का आंकड़ा 20,642 पर पहुंच गया है। अब तक देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4,56,831 हो चुकी है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 61.53% पर चल रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 8.66% पर है, यानी जितने सैंपलों की टेस्टिंग हो रही है उसमें से 8.66% सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।